हेलो एवरीवन बेटा, अपन ट्रायंगल की लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.4 क्लियर? सॉरी। अब देखिए, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल में, वो हमने पढ़ा था कोंगरेंसी। कोंगरेंसी बेटा हमने पांच रूल पढ़े थे, ठीक है? कौन कौन से रूल पढ़े थे बेटा, आप लोग खुद एक बार रिवाइज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। साइड एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल, एंगल एंगल, साइड साइड, साइड साइड और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, ठीक है? ये पांच रूल पढ़े थे बेटा, ठीक है? लेकिन आप समझिएगा कि ये जो चैप्टर आ रहा है बेटा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ 7.4, इसमें कोंगरेंसी का यूज नहीं हो रहा, ठीक है? इसमें कोंगरेंसी का यूज नहीं हो रहा, इसमें इनइक्वालिटीज वाले पार्ट चलेंगे बेटा। इनइक्वालिटीज का मतलब बेटा क्या होगा कि जैसे पहले इसने थ्योरम दे दी, जैसे पहले स्टेटमेंट है इसकी, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, कह रहा है दो साइड जो है ट्रायंगल की अनइक्वल है, ठीक है, यानी बराबर नहीं है, तो कह रहे जो बड़ी साइड है ना उसके सामने जो एंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा, छोटी वाली के सामने एंगल जो बनेगा वो छोटा बनेगा। ये प्रूव करके दिखाइए ये, ठीक है? ये मैं प्रूव करवा रहा हूँ, ठीक है? मैं इनके स्टेटमेंट जो है बेटा इनको प्रूव करवा रहा हूँ, ये चीज आप समझिएगा, ठीक है? मान लीजिए गिवन है बेटा, दो साइड मान लीजिए दे रखी है अनइक्वल है, मैंने मान लिया एक बड़ी है बेटा किससे, एबीसी, मान लिया मैंने एसी बड़ा हो गया किससे, एबीसी, ठीक है भाई, अनइक्वल है ना, तो एक को तो बड़ा होना ही पड़ेगा, तो मैंने एसी को बड़ा मान लिया, ठीक है? तो कुछ पार्ट ही तो बड़ा होगा, मान लीजिए, मान लीजिए यहां तक इतना बड़ा है, मान लीजिए एसी से, एसी जो है इतना पार्ट जो है ज्यादा है इससे, ठीक है? या इतना मान लीजिए ताकि आसान पड़े, ठीक है? ये वाला पार्ट मान लीजिए ज्यादा आ गया इसमें एसी के अंदर, अगर ये मैं घटा देता तो ये पार्ट और ये पार्ट मान लीजिए बराबर हो जाते, ठीक है? तो मान लीजिए मैंने इस यहां से ज्वाइन करा दिया बेटा, ये डी पॉइंट मान लीजिए, ठीक है? तो मान लीजिए दैट ए बी इक्वल टू ए डी, मैंने मान लिया इसको, इस पार्ट को इससे ज्वाइन करा दिया, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करा दिया, ताकि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या हो जाए इक्वल। अरे मान लो 8 सेंटीमीटर थी और ये 6 सेंटीमीटर है, तो जितना ये 6 है इतना ही 6 मैंने मान लीजिए आर्क लगा दी और उसको यहाँ से ज्वाइन करा दिया, अब दोनों इक्वल हो गई, ठीक है? अब कितना भी हो सकता था, मैंने जितना ये था उतना ही आर्क लगा दिया, ठीक है? इसको ज्वाइन करा दिया बेटा, बस समझ गई। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गई, किधर समझा गया? मैं इसको ये वन टू प्रूव के तरीके से पूरी तरह प्रूव नहीं करवाऊंगा बेटा, आपको इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, बिल्कुल कोई आधी रात को पूछे तो आप प्रूव कर पाए, ठीक है? ये देखिए बेटा, अब बताइए बेटा, अगर ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते कि नहीं होते? तो देखिए बेटा, तो देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर आ जाऊं तो देखिए बेटा, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, तो इसके अपोजिट एंगल बेटा ये बन रहा है, तो अगर बेटा मैं इसको एक्स मान लेता हूँ तो इसको अपोजिट बेटा ये एंगल बन रहा है, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा, बोलो, दोनों इक्वल हो गए, कोई दिक्कत बेटा, ठीक है? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब समझिएगा बेटा, देखो मैं देखो इसको यहीं पे खत्म कर दूंगा, पूरा लेंथ नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को, ठीक है? अब देखिए बेटा, अगर मैं बी सी डी ट्रायंगल देखूं बेटा, बी सी डी, ठीक है? तो बेटा देखिए, क्या ये एक्सटीरियर एंगल नहीं बन गया, बोलो? और एक्सटीरियर एंगल जो होता है बेटा, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, बोलो? तो मान लीजिए इसको मैं पाई मान लूं और बेटा इसको थोड़ी देर के लिए जेड मान लूं बेटा, तो ये जो एक्स है, ठीक है, ये वाला एक्स, ठीक है, एक्स जो आएगा बेटा वाई प्लस जेड के बराबर आएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये बात आपको समझ में आ गई, जो जो एक्स आएगा बेटा वाई प्लस जेड के बराबर आ गया, क्लियर? तो बेटा देखिए, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो एक्स है बेटा, जब वो देखो जैसे 5 = 2 + 3 होता है बेटा, तो 5 2 से भी बड़ा है और 5 किससे बड़ा है बेटा, 3 से बड़ा है, बस समझ आ गया, यानी कि पार्ट से भी तो बड़ा होगा, ठीक है? ये आपने यूक्लिड एक्सियोम में पढ़ा था, ठीक है? तो एक्स ग्रेटर देन होगा 5 वाई से एंड एक्स ग्रेटर देन जेड से, बोलो बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है? अब याद रखा बेटा, अब मैं एक बात आपसे कहूँ बेटा कि एक्स प्लस वाई जो है, एक्स प्लस वाई वो बेटा इस एक्स से तो बड़ा है कि नहीं है, ये बताइए मेरे को, तो एक्स प्लस वाई किससे बड़ा है बेटा, वाई एक्स से बड़ा है बेटा, अरे एक्स प्लस वाई एक्स से बड़ा है बेटा, और एक्स किससे बड़ा है बेटा, जेड से, बोलो एक्स किससे बड़ा है बेटा, जेड से, ठीक है? इसका मतलब एक्स प्लस वाई, देखो बेटा एंगल कौन सा बन गया, ये पूरा एंगल बी बन गया कि नहीं बन गया, तो ये बन गया बेटा एंगल बी, और बेटा देखिए ये जेड क्या बन गया, एंगल सी, तो यही तो आपको प्रूव करके दिखाना था, बस समझ आई? देखिए ये गिवन था कि एक साइड बड़ी है किससे, दूसरी साइड से बड़ी है बेटा, तो मैंने इससे बड़ा मान लिया इसे एबी से,
अब प्रूव क्या कर रहा था, जो साइड बड़ी है, जो साइड बड़ी है उसके सामने वाला एंगल भी क्या है बेटा, बड़ा आएगा। ठीक है, तो इस एसी के सामने देखो बेटा एंगल क्या है बेटा, पूरा बी आ रहा है। क्लियर? और एसी एबी के सामने क्या है बेटा, सी आ रहा है। तो मेरे को बी को बड़ा दिखाना था किससे बेटा, सी से। एंगल बी ग्रेटर देन आ गया किससे, एंगल सी से। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये बात है बेटा कि ये सिंपल सा प्रूफ है बेटा, इसको आपको दिमाग में रखना है। क्या है प्रूफ, क्या हो गया कुल मिलाकर, कह रहा है कि जो साइड बड़ी है ना ट्रायंगल में, उसके सामने वाला जो एंगल आएगा वो छोटी वाली साइड से, यानी जो दो ट्रायंगल, ट्रायंगल की दो साइड से बेटा, ठीक है, एक बड़ी है एक छोटी है, अनइक्वल है मतलब। तो जो बड़ी साइड है बेटा उसके सामने वाला जो एंगल है वो बड़ा ही आएगा, मैं कहूँ जो छोटी है उसके सामने वाला एंगल जो है वो छोटा आएगा। बात समझ आ गई? ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा। देखो बेटा सेकंड थ्योरम देखिए, इसकी क्या कह रहा है, इस बात को समझिएगा। वो कह रहा है कि इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, पिछले में क्या था, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, इस बार कह रहा है दो एंगल है ना वो अनइक्वल है, देन द ग्रेटर एंगल हैज लार्जर साइड अपोजिट टू इट। तो जो बड़े वाला एंगल है उसके सामने जो साइड आएगी वो बड़ी आएगी, ये बात बताइए। जैसे बड़ी साइड थी उसके सामने वाला एंगल बड़ा था, तो कह रहे थे अगर एंगल बड़ा हो ना तो उसके सामने वाली साइड भी बड़ी आएगी, प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए गिवन है बेटा एंगल बी ग्रेटर देन है किससे, एंगल सी से। मान लीजिए बेटा एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी से, ठीक है, तो कह रहे बी के बड़े वाले एंगल के सामने साइड क्या है, एसी, कह रहे वो बड़ी आएगी किससे, एबीसी, प्रूफ कर लेते हो। अगर बी के सामने एसी आ रहा है, सी के सामने एबी आ रहा है, तो एसी ग्रेटर देन एबी, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ देखिए बेटा, ठीक, देखिए यहां से तीन ही कंडीशन हो सकती है बेटा। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि या तो ए सी ग्रेटर देन, फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है बेटा ए सी और ए बी बराबर आ जाए, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है बेटा ए सी जो है छोटा हो जाए किससे, ए बी से। और तीसरी कंडीशन ये है बेटा कि ए सी ग्रेटर देन ए बी से। इसके अलावा बेटा दो नंबर के बीच में बेटा तो यही कंपेरिजन हो सकता है, या तो दोनों इक्वल हो जाए, या एक बड़ा हो जाए दूसरे से, या छोटा हो जाए वो, ठीक है। तो अब ऐसे बेटा साइड्स के बीच में हो गया, तो लेंथ होती है साइड्स, यानी कि नंबर ही आता है बेटा। तो या तो बराबर हो सकती है, या एसी लेस देन हो जाए एबीसी, या एसी ग्रेटर देन एबीसी हो जाए, यही तीन केस बन सकते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट अगर मैं देखूं, इफ एसी इक्वल टू एबी, बोलो एसी बराबर क्या माने, मैंने एबी मान लिया। अगर ऐसा हुआ बेटा तो मेरे को एक बात बताओ, तो आपको पता होगा कि अगर ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब बेटा क्या हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, बोलो, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। अगर दो साइड्स इक्वल हो गए ट्रायंगल में तो उनके अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल आ जाते हैं, जबकि ये तो आपको दे ही नहीं रखा, आपको तो दे रखा है बी ग्रेटर देन सी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला केस तो हट गया, हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई? ठीक है, सेकंड कंडीशन देखिए बेटा। मैं मान के चल लेता हूँ बेटा ए सी लेस देन ए बी, मैंने मान लिया ए सी क्या है, छोटा है इससे ए बी सी। अभी बेटा देखो पिछले थ्योरम में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो साइड छोटी होगी उसके सामने वाला एंगल भी छोटा होगा, या मैं ये कहूँगी जो साइड बड़ी होगी उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा। तो देखिए अगर ए सी छोटा मान लिया मैंने ए बी से, तो ठीक है ए सी के सामने देखो बेटा अपोजिट क्या आएगी, एंगल बी। तो एंगल बी जो आएगा बेटा वो लेस देन आएगा किससे, ए बी। ए बी के अपोजिट देखो बेटा क्या है, सी। इसका मतलब एंगल सी से लेस देन हो गया, वो तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। अभी देखो देख क्या रखे, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। बात समझ गया? तो ओनली ट्रू केस इज, तो ओनली पॉसिबल केस इज, ओनली पॉसिबल केस इज, थोड़ा तीसरा केस ही रह जाएगा ए सी ग्रेटर देन ए बी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। मैं ये कह दूं आपसे कि टू जो है बेटा वो ग्रेटर लेस देन जीरो भी नहीं है, इक्वल टू जीरो भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ग्रेटर देन जीरो हो गया। सिंपल सी बात है बेटा, तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई रियल नंबर आप उठाएंगे, या तो जीरो से छोटा आएगा, जीरो आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। मैं कह दूं ना तो जीरो से छोटा है ना ही वो जीरो है, तो बेटा सिंपल सी बात है तीसरे केस ये रहेगी और जीरो से बड़ा है। तो ऐसे ये तीन केस बने बेटा, तो ना ये केस बना ना ये केस बना, इसका मतलब सिंपल सी बात है बेटा ये केस बनेगा। बात क्लियर हुई? ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा। देखो बेटा थर्ड थ्योरम करवा रहा हूं मैं इसकी, क्या है, कह रहे कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कह रहे ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड का सम कर लीजिए बेटा, वो तीसरी से हमेशा बड़ा ही आएगा, इक्वल भी नहीं आ सकता। बात समझ आ गया?
यानी कि जब भी आपके पास कभी कोई ट्रायंगल बनाएंगे बेटा तो दो साइड्स का सम करेंगे वो तीसरी से हमेशा ग्रेटर देन आएगा बेटा, ठीक है। यानी कि क्या कह रहे हैं बेटा, द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑलवेज, ठीक है। ये बात बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए, मैं इसका प्रूफ करवा रहा हूँ। इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता, चलिए पहले मैं प्रूफ करवा देता हूँ, बात की बात करेंगे। किधर का बेटा, किधर, अब समझिए, कि मैं एक बात प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस पार्ट को प्रूव करके दिखा रहा हूँ, बाकी की नहीं, दो साइड का सम लेंगे तीसरी से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। मैं देखिए इसको प्रूव कर रहा हूँ, बाकी भी हम लिख सकते हैं बेटा, ए बी प्लस ए सी लिख दिया, ए बी प्लस बी सी करेंगे तो ए सी से ग्रेटर देन आ जाएगा, ठीक है, और ए सी प्लस बी सी करेंगे वो ग्रेटर देन ए बी आ जाएगा। तो अब ये पार्ट कर सकते हैं प्रूव, ठीक है, पर मैं एक पार्ट करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। देखिए बेटा, अगर मैं इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन क्या करोगे बेटा, कि बी ए को क्या ना आगे बढ़ा दो, बढ़ा दिया कि इतना आगे बढ़ाओ बेटा इसको, इसको मान लीजिए डी तक बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया इसको कि ये पार्ट दोनों क्या हो गए बेटा इक्वल, अरे ये इतना पार्ट आगे बढ़ा दिया जितना एसी था, एसी की लेंथ मेजर की उतना इसको आगे बढ़ा दिया, उस पॉइंट को इस पॉइंट को क्या कर बेटा ज्वाइन कर दिया। बात समझ आ गई, क्लियर, ठीक। मैं बेटा बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको प्रूव करूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए बेटा ये इस ट्रायंगल में आ जाओ, अरे अब बेटा देखो ये एंगल, ये साइड और ये साइड बराबर हो गई तो बेटा इसके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, मान ये एक्स तो ये भी एक्स आ जाएगा। आप समझते जी बेटा, मैं लिखूंगा कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ समझना है, सब कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है, क्लियर, आपको सिर्फ समझना है कि हाँ आसानी से कैसे इसको सोल्व किया जा सकता था, क्लियर। देखिए ये एक्स तो बेटा ये भी एक्स हो गया, बात क्लियर हो गई, ठीक है। मैंने इसको मान लिया बेटा, थोड़ी देर के लिए वाई मान लिया, क्या मान लिया बेटा वाई मान लिया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई दिक्कत अभी तक। चलिए अब देखिए बेटा, मैं अगर आपसे ये कहूँ, ये कहूँ बेटा कि ये वाला जो एंगल है बेटा, ये एक्स हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि वाई प्लस एक्स, ये वाला जो एंगल है यानी बी सी डी, एंगल बी सी डी, बी सी डी ये वाला जो एंगल बेटा क्या बन गया, वाई प्लस एक्स, अरे वाई प्लस एक्स, इसको वाई मान लिया तो वाई प्लस एक्स हो गया ना बी सी डी, तो पूरा ये ग्रेटर देन है बेटा एंगल इस एक्स से, इस वाले एंगल से, एक्स से बेटा ग्रेटर देन है इस वाले एंगल से, अरे ये छोटा रह गया, ये पूरा एंगल है, ये इससे बड़ा आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ठीक है। इसका मतलब बेटा एंगल बी सी डी एक्स से बड़ा हो गया, तो एक्स से बेटा देखो ये है, मैं कह सकता हूँ बेटा बी डी सी से बड़ा आ गया, बोलो बी डी सी से बड़ा आ गया, अरे ये भी तो एक्स था, अब इससे बड़ा है बेटा, इससे बड़ा आ गया एंगल ये पूरा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप ध्यान से समझिए बेटा, देखो मैं इसको चलिए तरफ नहीं कर रहा, मैं इधर बना रहा हूँ, मैं बीच वाली लाइन में भूल गया थोड़ी देर के लिए, अब मैं सिर्फ इतना आ गया बेटा, देखिए अब सिर्फ आप इतना देखिए बी सी डी, ठीक है, ये पूरा एंगल हो गया एक्स प्लस वाई और ये हो गया बेटा एक्स, ठीक है, बस आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए बेटा मैंने कह दिया कि एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन आ गया इससे एक्स से, अभी मैंने आपको समझाया था बेटा जो एंगल बड़ा है बेटा उसके सामने वाली जो साइड आएगी वो भी बड़ी आएगी, तो एक्स प्लस वाई बड़ा है बेटा, देखिए इसके सामने बी डी है तो बी डी ग्रेटर देन एक्स के सामने देखो बेटा क्या है बी सी, और बात समझ में आएगी नहीं आई, क्लियर। और बी डी जो है बेटा देखो कितना है, ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। और ध्यान से देखिए बेटा, जब आपने कंस्ट्रक्शन किया था तो ए डी को किसके बराबर माना था बेटा आपने, ए सी के, बस समझ में आ गया। तो देखिए बेटा ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, क्योंकि ए डी बराबर आपने ए सी कंस्ट्रक्शन किया था, ध्यान दीजिए बेटा। और देखो क्या आपको यही बात प्रूव कर रही थी, बात क्लियर हुई, ठीक है। तो किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को किया ये बात समझिए बेटा, देखिए मैंने पूरा लिखा नहीं है इसको, सारा आपके बुक में लिखा हुआ है चिट्ठी से, क्लियर, आपको सिर्फ समझना है कि हाँ कैसे इसको प्रूव किया है, बात क्लियर हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये भी एक थ्योरम है, ठीक है, सारे मैं आज आपको रिजल्ट ही करवा रहा हूं, वो चीजें समझिएगा। देखिए अगर मैं आपको ये कहूँ ये कोई लाइन है बेटा, ठीक है, लाइन पे दुनिया भर के पॉइंट लाई करते हैं, ठीक है, मैंने एक पॉइंट दे दिया बेटा, जनरल कोई पॉइंट उठा लिया, वो पॉइंट उठा लिया जो लाइन पे लाइन नहीं कर रहा, पी मांग दिया मैंने उसको, ठीक।
अब कह रहे हैं कि इस पॉइंट P की इस लाइन के बीच जो डिस्टेंस आएगी ना, देखिए बेटा P को पॉइंट बेटा जो इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा, ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहां से जो इसकी डिस्टेंस आएगी बेटा, बेटा यहां से देखो कैसे भी ज्वाइन करा सकते हैं बेटा इनको, दुनिया भर के पॉइंट आएंगे इस लाइन एल के ऊपर, दुनिया भर की लाइन लाइन करेंगे, तो कह रहा है कि वो डिस्टेंस मिनिमम आएगी जो परपेंडिकुलर होगी, यानी कि आपको ये देखना, मान लीजिए इसके ऊपर दुनिया भर के पॉइंट है, मान लीजिए कोई जनरल आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लिया मैंने एन और इसको ज्वाइन करा दिया बेटा, आपको ये दिखाना है बेटा कि जो पी एम आएगा ना वो लेस देन आएगा पी एन से, ये आपको दिखाना है, यानी पीएम हर केस में क्या आएगा बेटा ग्रेटर देन लेस देन आएगा, जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी वो हमेशा छोटी आएगी, ठीक है। अब एन तो बेटा देखो दुनिया भर के पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे भी ले सकता था मैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी ले लीजिए, ये पीएम जो है हमेशा लेस देन आएगा, ये आपको प्रूव करके दिखाना है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए बेटा इसको प्रूव करते, देखिए अगर मैं यहां देखू बेटा पीएम को, तो अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर आ जाऊं तो देखिए इसको मान लीजिए एक्स और इसको मान लीजिए बेटा वाई, बात समझ आ गई, तो आप खुद देखेंगे बेटा तो 90 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 180 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, तो एक्स प्लस वाई जो आएगा बेटा वो 90 आएगा कि नहीं आएगा बताइए, आएगा नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 90 जो था बेटा वो एक्स से भी बड़ा आएगा और 90 जो है बेटा वो वाई से भी बड़ा आएगा, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि 90 जो है बेटा वो एक्स से भी बड़ा है और 90 इससे बड़ा है बेटा वाई से भी बड़ा हो गया, बात समझ आ गई। अगर ऐसा हुआ बेटा, अगर मैं मान लूं कि 90 ग्रेटर देन एक्स, 90 ग्रेटर देन एक्स, ठीक है, अगर 90 ग्रेटर देन एक्स हुआ बेटा, देखिए इसको समझिएगा कि 90 को आपने एक्स के बराबर मान लिया, तो आपको ये दिखाना है कि पी एन जो है वो लेस देन आएगा, देखिए तो देखिए सॉरी वाई मान लीजिए इसको डायरेक्ट, आपको सिर्फ इसके साथ कंपेरिजन करना है, ठीक है। तो देखिए 90 ग्रेटर देन किससे हो बेटा वाई से बड़ा हो गया, क्लियर। अगर मैं अब यहाँ से ये बात बोल दूं बेटा कि 90 के सामने तो देखो साइड क्या है बेटा पी एन, अभी आपको समझाया था कि जो एंगल बड़ा होगा बेटा उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी ग्रेटर देन, बड़ी आई बेटा, देखिए पी एन ग्रेटर देन वाई के सामने बेटा देखो क्या है पी एन, बोलो बात समझ में आई नहीं, हो गया आपको। इसी बात को देखो बेटा मैं ऐसे भी कह सकता था कि जो हाइपोटेनस होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, जो हाइपोटेनस होता है बेटा वो लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ी साइड होती है, कैसे देखिए कितना हो गया आगे देखिए, और 90 ग्रेटर देन बेटा x है, 90 ग्रेटर देन किससे बेटा x से भी है, तो देखिए तो 90 के सामने देखो बेटा pm और x के सामने बेटा देखो mn, ठीक है क्लियर। तो अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे बेटा देखिए pn जो है बेटा इससे भी बड़ा है और pn जो है बेटा वो इससे भी बड़ा आ गया, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रूव करना होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है तो वो भी प्रूव हो गया, आपको ये प्रूव करना होगा कि पीएम जो है बेटा स्मॉलेस्ट लेंथ होगी इस पॉइंट पी की इस लाइन से, ठीक है ना, तो बेटा ये भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, दोनों बात प्रूव हो गई, क्लियर। तो बेटा इस तरीके से हमारे ये पूरी थ्योरम जो है वो सारा पार्ट हो गया, क्लियर। अब बेटा 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, वो देखो इन्हीं के ऊपर बेस्ड में क्वेश्चन है, वो सारे मैं इन्हीं के ऊपर बेस्ड करो, इन्हीं थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड है, इन्हीं के कहीं हेल्प से बेटा मैं सारे क्वेश्चन करूंगा, क्लियर। तो देखते बेटा उन क्वेश्चन, तो देखिए अगले वीडियो में जब हम लोग करेंगे तो वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो इन क्वेश्चन को बेटा जब आप प्रूव करें तो आप पहले कॉपी में लिख के बाद में देखिए, पहले मुंह जबानी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री जितना आप मुंह जबानी सोचने की कोशिश करें कि हाँ ऐसा होगा तो बेटा ज्यादा अच्छे से आती है, फिर उसको लिख के देखिए, ठीक है। थैंक यू बेटा।